चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आईपीएल 2022 सीजन का आगाज आज से होने जा रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें अपने नए कप्तानों के साथ मैदान पर उतरने जा रही है। कोलकाता की कमान जहां श्रेयस अय्यर के हाथों में है, वहीं चेन्नई की कप्तानी इस बार जडेजा को दी गई है। बता दें कि आईपीएल में सीएसके और केकेआर 27 बार आमने सामने आई है, जिसमें 18 बार चेन्नई ने जीत दर्ज की है। वहीं 8 मैचों में कोलकाता ने बाजी मार ली है, एक मैच का परिणाम नहीं निकल सका था। तो आज से इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है और सभी क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मैच में क्या होने वाला है, क्योंकि पहला मैच है, रोमांच बहुत बड़ा होगा। देखना होगा कि किस टीम के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। तो मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं कमल। कमल, अगर आज के मैच की बात करें, चूंकि पहला मुकाबला है, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है, कितना दिलचस्प मैच रहने वाला है और किसके सामने क्या चैलेंज है? यश, देखिए, हर क्रिकेट प्रेमी, अब ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग है आईपीएल, जिसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, चाहे वो दर्शक हों, चाहे खुद खिलाड़ी हों। बड़े बड़े लीग्स को छोड़ के, अपने इवन अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं। और इस बार का रोमांच बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दो नई टीमें इस बार आईपीएल में देखने को मिलेंगी। जहाँ पहले 8 टीमें होती थी, इस बार 10 टीमों के बीच ये घमासान होगा, जिसमें 70 मुकाबले खेले जाएंगे। तकरीबन 2 महीने तक ये चलेगा। बात अगर आज के मुकाबले की करें तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भारी लग रहा है, लेकिन इस बार दोनों टीमों के पास नए कप्तान हैं, नई टीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो सारे मुकाबले हैं वो महाराष्ट्र में खेले जाएंगे, यानी कि एक मुंबई की टीम को छोड़कर किसी भी टीम के पास होम एडवांटेज नहीं होगा। ऐसे में बहुत दिलचस्प होने वाले हैं ये मुकाबले। कमल, अगर बात करें चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस कौन सी टीम के सामने ज्यादा होंगी? और जैसा कि आपने जानकारी भी बताई, इस बार 8 टीम की बजाय 10 टीमें होंगी, तो कितना रोमांच बढ़ने वाला है? सबसे पहले आज के मुकाबले की अगर यश बात करें तो कहीं ना कहीं कोलकाता के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। मुश्किल चेन्नई के लिए भी है, क्योंकि मुकाबले से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी, रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी है। डिफेंडिंग चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग्स, और जडेजा के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा, क्योंकि एक चैंपियन टीम को लेकर वो मैदान पर उतर रहे हैं और चैलेंज उनके सामने है कि उस कप को बचा कर रखना। दूसरा चैलेंज उनके सामने है कि दीपक चाहर, जिन्हें 14 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा था, वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, लेकिन पूरे सीजन से वो चोट के चलते बाहर हो गए हैं। मोइन अली को अभी तक वीजा नहीं मिला है, मोइन अली टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें चेन्नई के सामने हैं। दूसरी तरफ अगर आप कोलकाता की तरफ नजर डालें तो उनके भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो देर रात टीम के साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से वो मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। जी, और चूंकि बात करें, श्रेयस अय्यर के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि टीम के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन भी रहे, बैटिंग ऑर्डर भी बेहतर हो, बॉलिंग ऑर्डर भी बेहतर हो, ताकि सामने वाली टीम पर दबाव बनाया जा सके। बिल्कुल, अय्यर के सामने दबाव ये भी है कि क्योंकि पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के लिए कप्तानी की थी, शानदार प्रदर्शन उनका रहा था, फाइनल तक का सफर 2 बार टीम ने तय किया था, लेकिन इस बार एलेक्स हेल्स को जिन टीम ने मोटी रकम देकर खरीदा था वो चोट के चलते बाहर हो गए। उनकी जगह एरन फिंच को टीम में शामिल किया गया था, फिंच देर रात टीम के साथ जुड़े हैं, इसलिए उनका खेलना भी नामुमकिन है आज के मुकाबले में। तो अय्यर के सामने परेशानी जरूर है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो टेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, आज वो सलामी बल्लेबाजी जरूर करेंगे, लेकिन किस तरीके की शुरुआत होगी और मोमेंटम किस तरीके का रहाणे और अय्यर देते हैं, ये बहुत देखने वाली बात होगी। कमल, अगर बात करें श्रेयस अय्यर और जडेजा की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, प्रदर्शन के बारे में बात करें, तो किसका एडवांटेज किसको मिल सकता है, कितना मिल सकता है, कौन अपनी टीम में अब बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए रख सकता है, चाहे बैटिंग ऑर्डर के मामले में हो, चाहे बॉलिंग ऑर्डर के मामले में हो, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। देखिए यश, दो अलग कप्तान और दो अलग तरीके की टीमें हैं। बात अगर जडेजा की करें तो पूरी तरीके से फ्रेशर हैं, लेकिन उनके साथ जो एडवांटेज है वो है महेंद्र सिंह धोनी। शारीरिक रूप से जरूर रविंद्र जडेजा एक कप्तान होंगे मैदान पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंड होगा वो महेंद्र सिंह धोनी का आपको नजर आ सकता है, क्योंकि 12 साल 15 साल से कप्तानी चेन्नई सुपर किंग्स की करता रहे, तो जडेजा को पूरा सपोर्ट धोनी का मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर के पीछे एक बड़ा एक्सपीरियंस है दिल्ली की कप्तानी करने का, घरेलू क्रिकेट में कप्तानी करने का,
तो जरूर दोनों कप्तान एक अलग शैली के कप्तान हैं, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है पिच और टॉस पर। जो टीम टॉस जीतेगी जरूर वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि पहला मुकाबला है और दोनों ही टीमों के पास लंबी लाइन बैटिंग लाइनअप है, तो चेज करना दोनों टीमें पसंद करेंगी। ठीक है कमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पहला मुकाबला है और सबसे अलग और दिलचस्प बात यह है कि जहां पर पहले 8 टीमें रहती थी, इस बार 10 टीमें हैं, 70 मुकाबले होने हैं। चुनौतियां भी होंगी, लेकिन चुनौतियों से पार पाना भी आसान नहीं होगा। लेकिन देखना होगा पहला मुकाबला कैसा रहेगा, किस पर कितना दबाव होगा, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिए।